हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल अकाउंट कैसे बनाएं अपने मोबाइल से। अगर आप अपने मोबाइल से गूगल अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चुटकियों में आसानी से आप अपना गूगल अकाउंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों बस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गूगल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेरी बात को ध्यान से समझना। आप एक अच्छी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल में एक फोल्डर होगा गूगल के नाम से, जैसा कि आप देख सकते हैं गूगल लिखा हुआ है। सिंपल में आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जीमेल, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन गूगल के फोल्डर में मिल जाएगा या फिर आपको होम स्क्रीन पर भी मिल सकता है। तो आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आप एक अच्छी ईमेल आईडी बनाएंगे तो आप इसी के जरिए से बनाएंगे, तो ये आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है मेरी बात को ध्यान से समझना। ऊपर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोफाइल का। ठीक है, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपके मोबाइल में जितनी सारी ईमेल आईडी होंगी वो सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी ईमेल आईडी आ चुकी है। अब आप एक नई अच्छी ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। मेरी बात को ध्यान समझना, एड अदर अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा एड अदर अकाउंट। सिंपल में आपको इसी पर क्लिक करना है। आप एक नई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया एड अदर अकाउंट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गूगल सेलेक्ट करना है। गूगल, आप एक नई ईमेल आईडी बनाएंगे इसलिए गूगल को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो जैसा कि मेरा फिंगर है तो मैंने अपना फिंगर लगा दिया है। ठीक है, आपको इतना कर देना है। उसके बाद आप वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पर गलतियां मत करना। आप एक नया ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं नया, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट। ठीक है, नई ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं उसके लिए सिंपल वे आपको इस पर क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर माई सेल्फ और टू मैनेज माई बिजनेस। यानी आप ईमेल आईडी अपने लिए बना रहे हो या फिर अपने परिवार के लिए, यानी किसी भी अगर आप इंसान के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फॉर माई सेल्फ। ठीक है, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बिजनेस सेलेक्ट करें। तो आप तो बिजनेस करने नहीं वाले, आप केवल अपने लिए पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो, तो यहाँ पर आप फॉर माई सेल्फ वाला ये वाला सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आया है क्रिएट ए गूगल अकाउंट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नेम डालना होगा। आप जिस भी नाम से ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो उसका आपको फर्स्ट नाम यहाँ पर डालना है, लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपना एक नाम डाल देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट नेम में डाल दिया राहुल और लास्ट नेम में डाल दिया बाबू। यानी मैं राहुल बाबू के नाम से एक नई ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ। आपको इतना नाम डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रियल डालें, यानी कोई भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर मंथ डालना है, यहाँ पर आपको तारीख डालनी है और यहाँ पर आपको ईयर डालनी है, सन। तीनों चीज आपको यहाँ पर अपने हिसाब से मैनेज कर देनी है, डाल देनी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मंथ में डाल दिया मार्च और तारीख में दो डाल दिया और 2004 मैंने डाल दिया। ठीक है, आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आएगा मेल या फीमेल, तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना। मैं मेल के बना रहा हूं तो मैं मेल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा, मैंने ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल में आपको इस पर क्लिक कर देना नेक्स्ट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब देखो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, अब ये कह रहा है यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आपको अपना नेम डालना होगा जिस नाम से आप ईमेल आईडी बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं अपना नेम डाल देता हूँ, जैसे कि मैं राहुल बाबू के नाम से ईमेल आईडी बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा राहुल बाबू। ठीक है, विदाउट स्पेस, आपको बीच में स्पेस नहीं देना है। ठीक, मैंने यहाँ पर डाल दिया, देख सकते हैं आप राहुल बाबू। उसके बाद ये चेक करेगा कि इस नाम से ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो देखो ये बता देगा, देखो यहाँ पर इस नाम से ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है राहुल बाबू के नाम से, लेकिन ये वाली ईमेल आईडी अवेलेबल है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ध्यान समझना, इस नाम से अवेलेबल नहीं है राहुल बाबू के नाम से, और यहाँ पर इस नाम से अवेलेबल है आर बी करके और ये नंबर है। देखो आपकी ईमेल आईडी में आपका नाम हो या फिर अक्षर हो या फिर कोई नंबर हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई गलत नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी में कुछ भी रख सकते हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली आर बी वाली। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में होगा ये, क्योंकि ये अवेलेबल है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपल वे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आपके सामने आ जाएगा पासवर्ड, और सब लोग यहीं पर गलतियां करते हैं। आपको क्या
क्या करना है देखो, ध्यान समझना। गूगल क्या कर रहा है, क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी इस जगह पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे कोई सोच ना सके कि आप ये भी पासवर्ड डाल सकते हो। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ पासवर्ड कैसा बनाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डाल दिया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है। पासवर्ड आपको किस प्रकार से डालना है, देखो मैंने पासवर्ड में डाला है XYZ ठीक है, @1234। आपको इस प्रकार से मिक्स करना है सभी अक्षर को, जिसके कोई समझ ना सके कि आप ये भी पासवर्ड डाल सकते हो ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपका पासवर्ड ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा SIM IN, सिंपल में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब देखो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, आप आ चुके रिव्यू फॉर योर गूगल अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आपकी ईमेल आईडी आ चुकी है। उसके बाद सिंपल में नीचे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब ये देखो आएंगे आपके सामने प्राइवेसी एंड ये टर्म, इसको आपको क्या करना है स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा IAG, सिंपल में आपको इस पर क्लिक कर देना है IAG पर। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी ईमेल आईडी अच्छी ईमेल आईडी बनके तैयार हो गई और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आपने डाला हुआ है। अब आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप इस ईमेल आईडी को कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे आप नया यूट्यूब चैनल बना सकते हो या फिर डॉक्यूमेंट में अपने अकाउंट्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी न्यू ईमेल आईडी बन चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि देखो अगर मैं प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैं नई ईमेल आईडी बनाई है वो यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं आप राहुल बाबू और इसकी ईमेल आईडी ये है RV और ये @gmail.com। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी एक अच्छी ईमेल आईडी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों अपना ध्यान रखना, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।